सर जी ये हमारे क्रॉस ट्रेन में एक ही साइज के दो पाइप है, लेकिन हाइट में थोड़ा डिफरेंट है। अभी ये जो 18 पाइप है वो हैंगर के है, और ये जो 6 पाइप है वो इसमें साइड में साइड वाले पार्ट में लगेंगे। ये हैंगर जो आपको सबको दिक्कत आ रही है, वो हैंगर में मैं आपको एक पीस बना के दिखाता हूँ और उसका फिटमेंट कैसे है। ये मैंने 3 पाइप लिए, ये हैंगर जो लेफ्ट राइट शेप में आता है वो लिया। अभी तीनों पाइप को एक ही हैंगर में हम लगाते हैं। ये जो सबको दिक्कत आ रही है हमारे पाइप क्रॉस ट्रेन में, वो इसको फिटिंग करने की आ रही है। तीनों पाइप लगा के इसको खड़ा कर देने का है पहले, उसके बाद जो दूसरा हैंगर है वो ऊपर से लगाने का है बारी बारी। अभी ये तीनों पाइप दूसरे हैंगर में अटक जाने के बाद इसको ऊपर से खड़े होके सिर्फ पुश करना है जोर से, ये पार्ट टूटेगा नहीं। अभी ये आपका सर हैंगर तैयार हो गया। अभी जो ये हैंगर की बात हुई थी ना सर, वो 6 हैंगर तैयार हो गए। अभी बाकी बचे ये 6 पाइप, ये 6 पाइप को इसमें सब में डालना है। मैं एक एक को आपको दिखा रहा हूँ। पहले ये लेने का, इसमें डाल दिया एक पाइप, दूसरा पाइप डाल दिया। अभी जैसे हैंगर हमने कंप्लीट किया, इसी तरह से इसको भी ऐसे ही कंप्लीट करने का। ये एक हो गया, इसके बाद ये दूसरे को भी ऐसे ही कंप्लीट करने का। अभी ये जो 6 पाइप थे उसका फिटिंग इस तरह से होगा। उसके बाद ये रील वाला पार्ट देने का है। ये दो बड़े वाले पाइप है ना, वो रील वाले पार्ट पे लगेंगे। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अभी ये जो क्रॉस स्टैंड है उसका स्ट्रक्चर अभी तैयार हो रहा है। ये बेस कंप्लीट हो गया। पाइप लगाने के बाद इसको थोड़ा प्रेस करना है साइड से। अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो बाकी बचे हुए पाइप है वो उसको लेना है। मेजर जो हमारा काम था वो सब खत्म हो गया। अभी सब इस पाइप को लगा के उसके ऊपर ये सभी हैंगर ही लगा है। अभी दो इधर लगेंगे पाइप, ये 4 पाइप लगाने के बाद लकड़े से या किसी भी चीज से इस पाइप को थोड़ा प्रेस करना। ये जो दोनों पाइप का लेवल है वो लेवल सही माना जाता है 4 पाइप का। इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे तो चारों पाइप का लेवल ऑटोमेटिक सेम ही आ जाएगा। उसके बाद हमें ये लगाना है इसके ऊपर। ये लग जाने के बाद इसको ऊपर से प्रेस करना। ये प्रेस होने के बाद आपको महसूस होगा कि ये इसका फिटमेंट सही हो गया। इसके बाद 4 और पाइप लेने हैं, वो इसके ऊपर लगाने हैं ऐसे जैसे हमने बेस में लगाया था उसी तरह से इसको भी यहां लगाना है। अभी जो प्रोसीजर हमने पहले की थी लकड़े से वो सेम प्रोसीजर इधर करनी है। इसके बाद जो अभी हमारे पास एक हैंगर है उसको इधर लगाने का है, जैसा हमने नीचे लगाया था सेम वैसा।
अभी सेम एक को दूसरी मंजिल पर ऐसे जता नहीं रहा। अभी ये हमारा दो मंजिला स्टैंड तैयार हो गया। इसके बाद जो बाकी चार पांच बजे बचे हैं उसको भी ऐसे ही लगाने का है। उसके बाद उसको लकड़ी से या किसी भी चीज से थोड़ा प्रेस करना है। इसकी वजह से क्या होगा, चारों पाइप का जो लेवल है ना वो लेवल सेम आ जाएगा। उसके बाद ये जो टॉप पार्ट है, टॉप फ्लोर, उसको ऐसे लगा लेगा है। एक साइड से बिक गया, उसके बाद दूसरी साइड से लगा लेगा है। अभी ये सर हमारा पूरा स्टैंड जो स्ट्रक्चर है बेस, वो बेस अभी पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद दो ये पार्ट है उसको ऊपर इस तरह से लगा देने का है, प्रेस कर देना, अंदर लॉक हो जाएगा। अभी ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा फ्लोर स्टैंड का हो गया है। इसके बाद हमें लगाने हैं ये हैंगर जो हमने पहले फिट किए थे सबसे पहले। अभी ये जो हैंगर है उसको हम स्टैंड में लगाते हैं। इस तरह से सिर्फ दो बोल्ट ही लगाने हैं और कुछ नहीं है। अभी मान लो अभी स्टैंड को पैक करना है तो इसका लॉक खोल के जैसे ये पूरा झुक जाएगा। अभी हम दूसरा हैंडल लगाते हैं नीचे वाला।